थैंक यू भैया। चिकन पता कैसे टेस्ट कर रहा है? बोलूंगी तो माने खाने दूंगा। बाहर पूरा मक्खन है। मेरा आगरा फूड सीरियस बिल्कुल नहीं होने वाला है कि मैं एक जगह खा रही हूँ दूसरी जगह को बोल रही आ रही हूँ रुको। तुम लोग खाना खाओगे ना तभी मैं तुम लोग को जानती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं जानती। 36 एंड खाना है हमको बहुत रिच खाना। लेट्स सी हाउ द डे गोज ऑन। Starting of the first episode from this place at Sadar Bazaar named Mama Frankie. Because हम पहुँचे ही हैं होटल 12 बजे, फ्रेश फ्रेश होके अभी बज रहा 2:30। तो यहाँ पर मैंने लंच के हिसाब से खाना मंगवा लिया है। सो आई हैव ऑर्डर्ड ऑल द मुगल फूड। When in the Taj City, we have to start our food by eating something, you know, Mughal cuisine. ये पराठा उसमें बनता है? नहीं, और रुमाली रोटी नहीं, तेल है उसमें, रुमाली रोटी वाले में कभी तेल नहीं रहता। ये इनका बहुत बड़ा किचन है और वहाँ पर एक भैया है जो माइक में बोल रहे हैं, ऑर्डर रिपीट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए। ये वाला चिकन है ना, हांडी चिकन, ये चिकन बिरयानी, मटन गलौटी कॉम्बो, हाँ तंदूरी रोटी इधर रख दीजिए बिरयानी के ऊपर। हाँ, द आइटम्स विच आई हैव गॉट हियर इज चिकन बिरयानी एंड थैंक गॉड इन्होंने लेग पीस दिया है विच आई लव। हांडी चिकन, ये भी मैंने हाफ प्लेट हांडी चिकन लिया है, आप देख सकते हैं। जस्ट लाइक द कुजीन द डिश इज क्वाइट रिच, द कलर इज टू डार्क टू टेम्पटिंग एंड ये हमने बोनलेस लिया है। एंड ऊपर बहुत ही अच्छे से इन्होंने धनिया पत्ता स्प्रिंकल किया, या धनिया पत्ता हैज बिकम एन इमोशन। ये हमारे पास है मटन गलावती कबाब विथ धनिया पत्ता का चटनी और प्याज का सैलड। यहाँ पर वी हैव गॉट चिकन गलौटी कबाब विथ पराठा। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस आई नीड टू सिप इन टू सम वर्जिन मोइटो। तो सबसे पहले चलिए मटन गलावती कबाब खाते हैं। आप देख सकते हैं दिस इज सो सॉफ्ट, मतलब ये तो एकदम ऐसा लग रहा है कोई पेस्ट है मटन का। थैंक यू भैया। माय गॉड दिस इज सो गुड, पूरा मुंह में जाके पिघल जा रहा है, एकदम मेल्ट हो जा रहा है। एक्चुअली मैं ये गलौटी कबाब है ना फर्स्ट टाइम ही खा रही हूँ लाइफ में। एक बार खाया था कलकत्ता में एक नॉर्मल दुकान से, मेरे को समझ ही नहीं आया था, वो भी रोल के अंदर खाया था तो उतना आइडिया ही नहीं था। तो आई डोंट नो ये डिश कैसा होता है, बट ये खाने में अभी जो है ना इट्स वेरी क्रीमी। पर जो चार टेक्सचर है ना, ये हल्का सा डिलीशियस क्रस्टी, एकदम सॉफ्ट क्रस्टी एंड अंदर तो इट्स जस्ट लाइक पेस्ट एंड टेस्टिंग वेरी गुड। इट्स वेरी मसालेदार, चटपटा, स्पाइसी, नमकीन एंड द बेस्ट पार्ट, नॉर्मली क्या होता है ना मटन का कोई भी डिश होता है ना, वो मटन का एक रॉ सा टेस्ट नहीं होता, आश्चर्य स्मेल वो आता है, इसमें वो चीज़ नहीं है। ये वाला बाइट तो, ये गलौटी कबाब जो है ये तो एक ही बार में मेरे मुंह में चला जाएगा। दिस इज वेरी नाइस। नाउ माई क्वेश्चन इज वाई दिस पीपल हैव इंट्रोड्यूस्ड ड्राई आइटम विद ड्राई आइटम, ये कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आता मेरे को। कबाब भी ड्राई है, पराठा भी ड्राई है एंड आई लव मॉइस्ट यू नो फूड, समथिंग जिसके साथ ग्रेवी हो। सो ये पराठा मैं बाद में यूज़ करने वाली हूँ टू ईट विद द हांडी चिकन। तो चलो अभी जो स्टाइल है खाने का उसी से खाते हैं, पराठा लेते हैं, इस पर थोड़ा सा चिकन गलौटी कबाब डालते हैं, फिर हम ये चटनी वाला प्याज डालते हैं इसके ऊपर, रोल करते हैं एंड देन अब इसको खाते हैं। जब मैं इस आउटलेट में घुस रही थी ना, बाहर का जो टेम्परेचर था और जो पराठा था देख के मेरे को लग रहा था पता नहीं कितना तेलिया होगा, खाऊंगी कहीं तबीयत खराब नहीं हो जाए, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आप देख सकते हैं सो फ्लेकी एंड ड्राई, बहुत ज़्यादा सूखा बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ये जो चिकन गलौटी कबाब है इट्स वेरी क्रीमी, इस सैलेड के साथ बहुत ही ज़्यादा इसका जायका बहुत अच्छा लग रहा है। लेट्स ट्राई बटर तंदूरी रोटी विथ चिकन हांडी, इट्स वेरी ऑयली, वेरी रिच, आई एम स्केयर्ड टू ईट दिस नाउ। ओह मीट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड टेंडर, यार टूट ही जा रहा है, कबाब है इसमें। यार ये देखने में जितना रिच और डेंजरस लग रहा है ना, खाने में उतना ही लाइट है,
मतलब दिस इज रियली नॉट टेस्टिंग वेरी हैवी ऑन टू द पैलेट, इट्स वेरी वेरी लाइट. देयर इज अ बैलेंस ऑफ स्पाइसीनेस आल्सो, बहुत ज्यादा स्पाइसी बिल्कुल नहीं, हल्का सा आई थिंक बिकॉज ऑफ अनियन. ये जो इसका करी बना हुआ है ना, फ्राई अनियन का जो पेस्ट बनता है विच वी कॉल एज गोल्डन अनियन, उसके पेस्ट से बनाया है, बोल के ये काला है. बिकॉज आई रिमेंबर माई डैड ऑल्सो कुक्स वन डिश समथिंग, कभी कभार वो क्या बनाते ऐसी ग्रेवी में चाप बनाते हैं, तो वो डिश जो होती है ना वो रिच लगती है देखने में बट खाने में नहीं होती है. सो उस जले प्याज के पेस्ट के वजह से ना देयर इज अ कैरमलाइज्ड मीट स्वीटनेस होता नहीं अनियन का, वैसा टेस्ट आ रहा है विच इज लाइक रियली गुड. एंड द चिकन इज वेरी सॉफ्ट एंड टेंडर, बहुत अच्छा टेस्ट है. इज वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट, वेरी फ्लेवरफुल. आप देख सकते हैं बिरयानी थोड़ी सी डिफरेंट है, दिल्ली और यूपी के चावल नहीं समझ में आते, मोटे चावल मेरे को फिर खाने पड़ेंगे. मेरे को पता नहीं ये टेस्ट ही नहीं बैठ रहा है इस मोटे चावल का, बट हाउएवर अगर मैं लुक की बात करूँ तो काफ़ी एपेटाइजिंग लग रहा है, बहुत रिच नहीं है. तो मिक्स ऑफ सैफ्रॉन, अर्थी एंड वाइट कलर, ऊपर से थोड़े से भुंजे हुए प्याज भी स्प्रिंकल किया हुआ है. तो आई एम गोना टेक द ग्रेवी ऑफ द चिकन हांडी, इसकी ग्रेवी के साथ मैं इसको खाऊंगी, इसको खाएंगे हाथों से. इसमें वो केवड़ा का स्मेल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बिरयानी में, बट स्टिल इसमें घी का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है. आई थिंक ऊपर से यू नो घी मार के थोड़ा सा उसको टॉस किया होगा, बट हाउएवर वो दिस राइस आर वेरी वेल कुक्ड, सो इट्स टेस्टिंग गुड. बस थोड़ा केवड़ा का स्मेल ज़्यादा लग रहा है, अदरवाइज द टेस्ट इज एपेटाइजिंग. एंड वैसे भी राइस इज ऑल आई नीड. घी का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है यार चावल में, जो चावल चबा ले रहे हैं ना एकदम च्यू हो जा रहा है, उसके बाद लास्ट में घी का एसेंस है ना मुंह के अंदर रह जा रहा है. ये चिकन पता कैसे टेस्ट कर रहा है, बोलूँगी तो माने खाने दूंगा. केएफसी का चिकन खाते हैं ना ऊपर स्किन हट जाता है, उसके बाद जो बॉयल्ड चिकन रहता है फ्लेवरफुल, वैसा चिकन टेस्ट कर रहा है. ये बिल्कुल भी मसाला नहीं है इसमें, बॉयल्ड है पूरा. एग्जैक्टली बॉयल्ड चिकन, ऐसे लग रहा है प्याज लॉन्ग गोल मिर्च से सिर्फ यू नो मीट को जो हम लोग नॉर्मल बॉयल करके रखते हैं बिफोर पुटिंग इट इनटू द ग्रेवी और बिरयानी. माइट भी आपको अच्छा नहीं लगे बिकॉज आप बिरयानी में बिरयानी वाला चिकन एक्सपेक्ट करेंगे, बट मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है बिकॉज आई लव बॉयल्ड फूड. हाँ हम लोग खाना खा रहे हैं, खत्म ही हो चुका है, यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं ये लोग कौन है मैं नहीं जानती लोगों को. तुम लोग खाना खाओगे ना तभी मैं तुम लोग को जानती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं जानती हूँ. तो भी आप लोग सोच रहे होंगे ये लोग कौन है, ये लोग मेरे हैं कजिन्स. तो यहाँ पर हमें कुछ डिफरेंट दिखा है, तरबूज भंडार विच इज मक्खन वाला तरबूज. कैसे बनता है ये, मतलब अंदर, अरे कैसे, ऑब्वियसली इट्स डिफरेंट यार, रेसिपी नहीं बट यार इतनी अंदर तरबूज और बाहर क्या है ये मक्खन, वाह यार सीरियसली. और तरबूज के अलावा और कुछ है, सिर्फ तरबूज है, समोसा समोसा और ये भी खाते हैं, चलो सभी खा लेते हैं. तो ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट मेरे को चीज दिखा, थैंक्स टू माय कजिन्स कि जिन्होंने बोला कि ये ट्राई करो, और वो वाला भी दीजिएगा समोसा वाला भी. क्या सही काटेंगे नहीं इसको ऐसे, अच्छा दीजिए, थैंक यू सो मच. एक बार समोसा ट्राई करके देखते हैं इसके अंदर फिलिंग क्या, उसके अंदर तो तरबूज अंकल ने दिखा दिया, ये खा के देखते हैं. और इसका प्राइस इज ओनली 12 रुपए 10 रुपए 12 रुपए. बहुत अच्छा है, बाहर पूरा मक्खन है और अंदर क्या खोआ, नहीं खोआ, ठंडा ठंडा. आई कांट टेल यू दिस इज व्हाट अ, मतलब अच्छा वो मिल गया मेरे को. और ये लोग मेरे को बताने से भी, अगर नहीं मिलते तो ये लोग मेरे को बताता भी नहीं कोई. वेरी नाइस, इट्स वेरी बटरी और ठंडा और अंदर पूरा क्रंची क्रस्टी. वाह, वन ऑफ द बेस्टेस्ट डेली केसेस आई मीटिंग. लुक एट दिस कलर, कलर कितना प्यारा लग रहा है, एकदम लाल जूसी रसीला. और इस मक्खन को ना अंकल ने क्रिएटिविटी के साथ थोड़ा हरा कलर कर दिया है, थोड़ा डिफरेंट एकदम तरबूज की तरह दिखे, ताकि ग्रीन एंड यू नो अंदर रेड. वाह, अंदर भी हुआ है ना कलर भी है ऊपर ना, तो तरबूज का कुछ भी नहीं अंदर, तो उसका लुक तरबूज है. सही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. ये चाट गली ना, अग्रवाल चाट हाउस. ठीक है भीड़ कम होगा तो अच्छा, यहीं पर तो खाना है हमें वल्ला. पुचका, पुचका नहीं इसका, गोलगप्पा.
विकी भैया लोगों को बोलता था तेरा पुचका होगा कोलकाता में, ये तो कोलकाता में है। एक का आलू टिक्की चाट, ये वाला बल्ला बल्ला आलू बल्ला। इधर का एक पुचका का खासियत है कि जो आलू है ना वो कबली जैसा नहीं है, मतलब मसाला वाला आलू नहीं है। यहाँ पर ना पीस पीस आलू वाला मसाला डाल के फिर बना हुआ है, पुदीना का पानी है ना। धनिया पाउडर का काफी 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 स्ट्रॉन्ग टेस्ट है इसमें, काफी अच्छा। आई थिंक खाने के बाद डाइजेस्ट हो जाएगा। हींग भी डाला है क्या? हींग डाला हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये चने वाला, इसके अंदर आलू का फिलिंग नहीं है, चना है। ओ इनका आलू बल्ला का ना स्पेशलिटी अलग है। एक तो काफी क्रिस्पी है आलू पूरा, एकदम इसको एकदम क्रिस्पी पकौड़ा की तरह कर लिया है, और ऊपर इन्होंने काजू डाला हुआ है, और ये धनिया पत्ता की चटनी और इमली की चटनी डाली हुई है। ये तो मेरे को लगता है चम्मच का जरूरत ही नहीं, मैं हाथ से उठा के खा लूंगी। ये लो हाथ से रहा मेरे को देख देख के कि मैं एक जगह खा रही हूँ दूसरी जगह को बोल रही आ रही हूँ रुको। आका ही आलू वो वाला कहाँ मिलेगा मेरे को जिसके ऊपर चना रहता है? ये धनिया गुड़ा हर चीज में यूज करते हैं, विच इज लाइक गुड गुड फॉर द स्टमक यू नो। इट्स लिटिल सॉल्टी बट इट्स लाइक गुड एवरेज, लाइक या इट्स गुड। आई वुड से दैट एपेटाइजिंग वाज दैट ग्रेट बट इट्स ओके गुड। यहाँ पर यू गेट एवरीथिंग, आप देख सकते हैं फोन कवर, खाने के अलावा भी यहाँ पर यू कैन शॉप। बट यहाँ पर सबसे ज्यादा आई थिंक दिस इज चाट गली काइंड ऑफ, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल रहा है। दिस इज बेसिकली अ रेस्टोरेंट काइंड ऑफ, जहाँ पर आपको डोसा फ्राइड राइस यू गेट एवरीथिंग। सो ये स्ट्रेच जो है काफी लंबी है, शाम को काफी भीड़ रहता है यहाँ पर, बट अभी फिलहाल इट्स थोड़ा लेस क्राउडेड विच इज गुड फॉर मी। अच्छा यहाँ पर 6 फ्लेवर्स पानी पूरी काफी है, मटके में पानी में बहुत ठंडा ठंडा होगा। सो ये लेन इधर ही खत्म हो रहा है शायद। यस नेक्स्ट हम खाने वाले हैं यहाँ पर जिनके पास है बास्केट चाट। आप देख सकते हैं काफी प्यारी तरीके से इधर इनके बास्केट बनी हुई है, इसमें वो हमें भेलपुरी चाट बना के देंगे। लेट्स सी। सो ये देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, किसका मन नहीं करेगा और एक बार में मुंह में चला जाएगा। आलू माय फेवरेट। अच्छा सो बेसिकली भेलपुरी नहीं, इसमें आपका ये मसाला दूसरा मसाला जा रहा है, लहसुन की चटनी। अच्छा एक बार में खाना पड़ेगा ना। ये आ गया बास्केट चाट हमारे पास, बहुत प्यारे तरीके से, बहुत मेहनत से, बहुत आस्ते से, बहुत इत्मीनान से भैया ने इसको बनाया। चलो खाते हैं बास्केट चाट। भैया ने बोला इसको एक ही बाइट में खाइएगा, एंड एक बाइट में खाना खाने में तो मैं माहिर हूँ। इसमें क्यों झाल होगा? नॉट भेलपुरी, बटाटा पूरी, कुल्फी एट दिस प्लेस कॉल्ड किशन कुल्फी। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी वैरायटीज ऑफ कुल्फीज है, बट इसमें फेमस कौन सा है यहाँ का सबसे बेस्ट कुल्फी? केसर पिस्ता, मैंगो फालूदा। भैया कौन सा आपको यहाँ पर स्पेशल है? मैंगो, मैंगो फालूदा, एक मैंगो फालूदा दे दीजिए ना। ये क्या है? ओ ये वाइट, ये सेवई, सेवई है ना फालूदा। फालूदा में
आइसक्रीम है जी। क्या कौन सा? मैंगो सॉफ्टी आइसक्रीम। मतलब क्या फ्लेवर है आइसक्रीम? रबड़ी की बनती है। रबड़ी की बनती है। रबड़ी ठंडी ठंडी रबड़ी। वाह गर्मी में इतना अच्छी है ये नॉर्मल रबड़ी। लोडेड यहाँ पे खाएंगे द मोस्ट फेमस कुल्फी किशन कुल्फी। ये हमने खा ली है यहाँ पर मैंगो कुल्फी। आप देख सकते हैं नीचे फालूदा था, फिर इन्होंने मैंगो स्लाइस डाला, फिर उन्होंने एक रबड़ी वाली आइसक्रीम था वो डाला और रबड़ी ऊपर से डाली, फिर ऊपर रुआब्जा वगैरह जो डालते हैं वो तो है ही। वाओ दिस इज सो 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 गुड। इतना कुछ मीठा वाला आइटम है बट फिर भी ये नॉट टू मच मीठा, इट्स वेरी सोलफुल एंड वेरी नाइस यू नो। मेरा आगरा फूड सीरीज सीरियस बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये लोग ऐसे मेरे को हंसाएगा। पापा शेफ के चार भाई बहन है एंड ही इज द यंगेस्ट, मतलब ये हम लोग का सबसे छोटा भाई है। मेरे को लगा मैं चीटू की बबुआ बोलूंगी। ये बहुत अच्छा मस्त ट्राई। पहले बता दे ना भूल गया। इसमें ना पूरा जो नॉर्मल आम है ना, और मतलब हाँ ये आम का पीस है पूरा।